नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। झंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 3 छात्र चोरों को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में सघन अभियान चलाया गया। चेकिंग के आदेश के क्रम में एसओ झंगा जगत नारायण सिंह मैफोर्स के राजी पोखरी तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 3-3 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जो पुलिस को देकर पीछे मुड़कर भागने लगे। जिन पर शक होने पर पीछा करके भागेश्वरी मंदिर के पास एक मोटरसाइकिल के 3 सवार व्यक्ति पकड़ लिए गए तथा दूसरी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम आमिर हमजा, सलाउद्दीन और गोलू बताया। उनके पास से एक सीपीयू बरामद हुआ। जिनमें सीपीयू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मोतीराम अड्डा से इन लोगों ने चुराया था, जिसे बेचने के लिए जा रहे थे। पुनः पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो बताया कि हम लोग जनपद के थाने राजघाट, गुलरीहा, खजनी, सिकरीगंज, पिपराइच आदि थाने क्षेत्र में व गैर जनपद कुशीनगर आदि स्थानों पर चोरी करते हैं। आदि स्थानों पर हम लोगों ने चोरी की है। 2 अदद मोटरसाइकिल अपाची, पैशन प्रो, 1 अदद मोटरसाइकिल हीरो इंजन, 2 अदद इन्वर्टर, 3 अदद बैटरी, 1 अदद सीपीयू, गैस सिलेंडर 4 अदद, 1 अदद लैपटॉप आदि सामान भारी मात्रा में बरामद हुआ। उपरोक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर दी। छोटू और आतम फरार हैं। हम 2 बार इन लोग के साथ काम करने गए हैं। ये लोग मुखबिर से हमको रात में पकड़वा कर यहाँ पर लेकर आए हैं। बस इतना बोल रहा सकते हैं। क्या क्या अब तक चुराया हो सर? अब तक हम जिम से 2.5 हमारे पास से निकली है, LCD हमारे पास से निकली। छोटू के घर से बहुत सारा सामान निकला, वो फरार है। आतम के घर से रूम पे से बहुत सामान निकला, वो भी फरार है। एक बाइक इसी गोलू के पास से निकली है, अपाची। बस इतना ही कह सकते हैं, इतना ही हमारी जानकारी है सर। कब चोरी करता है? कितने दिन से स्टार्ट किया? 10-15 दिन से। और भी लोग हैं साथ में सर? 2 भाग गए। कैसे करते थे चोरी सर? यही बताएंगे। आज 3 सादे चोरों को हमें झंगा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर कम से कम 6 मुकदमों का भी उद्घाटन हुआ है। काफी सामान बरामद हुआ है। 3 मोटरसाइकिल हैं, कंप्यूटर के LCD हैं, गैस सिलेंडर, कपड़े, मतलब ये हर एक किस्म की चोरी करते थे। खजनी, सिकरीगंज, राजघाट, गुलरिया, थाना झंगा, इनके मामले अभी तक इनके उद्घाटित हुए हैं। इनसे काफी सारी मात्रा में सामान रिकवर किया गया है और मुझे जगह अभी हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सर, चोरी क्यों करते हैं, कुछ पता चल पाया कि इस पैसे का क्या संबंध है? चोरी इनका नेचर है, मतलब ईमानदारी से नहीं कमा सकते तो चोरी करते हैं। चोरी करते हैं, कम उम्र के लड़के हैं और काफी सारी चोरियां उन्होंने बताई है। इनके कुछ साथी जो है अभी निगाह में आए, जहाँ ये चोरी का सामान खपाते थे, उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। उनकी मतलब जब तलाश पूरी होगी तो उम्मीद है कि और भी मामले उद्घाटित होंगे। दुकानों में चोरियाँ की, दुकानों में भी, मकानों में भी चोरियाँ की हैं, जैसे कि सामान जो है आप लोग देख सकते हैं। गोरखपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।